नमस्कार किसान दोस्तों, मैं हूं आपका एग्री डॉक्टर मुकेश झिंझाला। ग्रेट इंडिया के यूट्यूब चैनल में आप सभी किसान दोस्तों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। किसान दोस्तों, आजकल किसान बहुत ही मेहनत करके अपनी फसल को ग्रो करता है, लेकिन जंगली सुअर, नीलगाय और काफी जंगली जानवरों की वजह से उनकी पूरी फसल नष्ट हो जाती है। तो किसान दोस्तों, ये सभी समस्याओं का ग्रोइट लेकर आया है समाधान, क्योंकि ग्रोइट लेकर आया है ग्रोइट फेंस, जो मिलेगा किसानों को बहुत ही फायदा, साथ में आपकी बाउंड्री भी प्रोटेक्ट करेगा और आपकी फसल को भी देगा संपूर्ण सुरक्षा। तो ये वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने जा रहे हैं कि ग्रोइट फेंस के स्पेसिफिकेशन क्या है, इनके यूज क्या क्या है और ग्रोइट फेंस कैसे 100% रिप्लेसमेंट ऑफ जीआई फेंस है। ये पूरी जानकारी ये वीडियो के माध्यम से मैं आपको देने जा रहा हूँ, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। किसान दोस्तों, ग्रोइट फेंस की बात करूं तो ये जो ग्रोइट फेंस है वो आप किसान दोस्तों को 3 फीट से लेकर 10 फीट की हाइट में मिलेगा। और उनके अगर मैं रोल की बात करूं तो ये जो ग्रोइट फेंस है वो 190 फीट में आपको रोल मिलेगा, क्योंकि ये जो अपना ग्रोइट फेंस है वो 100% यूवी प्रोटेक्टेड है, सल्फर रेजिस्टेंस है और वजन में भी एकदम हल्का है, जिसके कारण किसान इजीली लगा भी सकता है और इनको निकाल भी सकता है। किसान दोस्तों, ये जो अपना ग्रोइट फेंस है वो आप कौन सी अलग अलग जगह पे यूज़ कर सकते हो? तो ग्रोइट फेंस का यूज़ आप अपनी खेत की बाउंड्री में भी कर सकते हो, आप गोट फार्मिंग में भी कर सकते हो, आप पोल्ट्री फार्मिंग में भी कर सकते हो, आप क्रिकेट ग्राउंड में भी कर सकते हो। यानी कि प्रोडक्ट एक है लेकिन फायदे अनेक है, तो ये प्रोडक्ट का आप किसी भी जगह पे आप यूज़ कर सकते हो। तो अगर मैं इनका कॉस्टिंग की बात करूँ किसान दोस्तों, तो ज़्यादातर किसान जीआई फेंस का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि अगर एक एकड़ में जीआई फेंस आप लगाते हो तो उनका खर्चा आता है 1 लाख से 1.5 लाख तक का। लेकिन जो अपने ग्रोइट फेंस है उनका खर्चा जीआई फेंस से 50% कम है। अगर किसानों के मगज में वो होता होगा कि ये 50% कॉस्ट कैसे कम है, तो वो मैं आपको बताऊँ तो जीआई फेंस है। अगर मैं आप जीआई फेंस का मैं आपको होल का डायमीटर की भी बात करूँ, तो उनका जो होल का डायमीटर है वो 2 इंच रहेगा। 2 इंच इसलिए है क्योंकि उनकी स्ट्रेंथ बहुत अच्छी रहेगी। वैसे जीआई फेंस है उनका जो डायमीटर है वो 4 इंच का रहता है, तो 4 इंच के डायमीटर में उतनी स्ट्रेंथ नहीं रहती है जितनी स्ट्रेंथ है अपनी अपनी ग्रोइट फेंस में। ग्रोइट फेंस का जो डायमीटर है वो 2 इंच का रहेगा, साथ में यूवी प्रोटेक्टेड भी है, सल्फर पेस्टिसाइड रेजिस्टेंस भी है और मल्टीपर्पज यूज है, यानी कि आप इनको कहीं भी लगा सकते हो। कोस्टिंग की जैसे मैं बात कर रहा था किसान दोस्तों, तो जीआई का जो 1 एकड़ में अगर आप फेंस लगाते हो तो 1 से 1.5 लाख का खर्चा रहते हैं, लेकिन अपना जो ग्रोइट फेंस है वो अगर आप लगाते हो तो आपको खर्चा रहेगा 60 से 65,000, यानी कि जीआई फेंस से 50% कम कॉस्ट। साथ में इनकी जो गुणवत्ता है वो एकदम बढ़िया है, क्वालिटी एकदम बढ़िया है, साथ में ये 10 से 12 साल तक चलेंगी एज कम्पेयर टू जीआई फेंस, क्योंकि जीआई फेंस है वो 2 से 3 साल में उनको जंग लग जाता है और वो खत्म हो जाते हैं, यानी कि किसान को खर्चा ज़्यादा लगता है। लेकिन अपनी जो ग्रोइट फेंस है वो 10 से 12 साल तक चलेगी, साथ में अगर आप इनको फोल्डिंग करना है तो इजीली फोल्ड भी कर सकते हो। जीआई फेंस को फोल्ड करने में काफ़ी दिक्कत रहती है, क्योंकि एक बार आपने इंस्टॉल कर लिया तो जंग लगना भी चालू हो जाता है और धीरे धीरे गर्म होकर उनकी क्वालिटी भी डिक्रीज होने लगती है। लेकिन अपना जो ग्रोइट फेंस है वो क्वालिटी एज इट इज रहेगी, वजन में एकदम हल्का रहेगा और क्वालिटी एकदम बढ़िया रहेगी, जिसके लिए किसानों को भी बहुत फायदा मिलेगा और साथ में खर्चा तो 50% कम है ही ना। तो किसान दोस्तों, राह किस बात की देख रहे हो? जल्द ही ये ग्रोइट का जो नया प्रोडक्ट है, जो ग्रोइट फेंस है, वो लगाओ और अपनी फसल में अच्छा उत्पाद पाओ। धन्यवाद।